आगे बढ़ते हैं। यूपी में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज कुल 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुरादाबाद, अमरोहा और बिजनौर के लिए अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। उनके नाम बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, संभल, लखनऊ, हरदोई, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर है। इन जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता, हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। विवेक का रुख कर लेते हैं और जानते हैं मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है। विवेक, 26 जिलों में बारिश की चेतावनी दी है, कहीं रेड अलर्ट है और कहीं बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अभी कई जगह ऐसे हैं जहां नदी और तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। ऐसे में कितनी मुश्किलें उत्तर प्रदेश के लोगों की और बढ़ सकती हैं? जी देखिए कौशल, जो मौसम विभाग है उसका अलर्ट है और ये कहा गया है कि जो 8 जिले हैं वहाँ पर रेड अलर्ट है, यानी वहाँ पर भारी बारिश के साथ तूफान और प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, बाढ़ की स्थिति बन सकती है। तो ये जो उत्तराखंड में जिस तरह से मौसम चल रहा है, देख रहे हैं आप कि पहाड़ टूट रहे हैं और अभी एक पुल भी टूटा था, नदियाँ वहाँ की जो रामगंगा है वो लगातार उफान पर है और वहाँ का पानी जो ज़्यादा पानी होने से इधर आपके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, अल्मोड़ा और बिजनौर जैसे शहर हैं वहाँ पर रामगंगा का पानी बढ़ रहा है, वहाँ बुरी तरह से बारिश और बाढ़ की स्थिति आ रही है। इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश में सरयू, राप्ती और घाघरा नदियाँ हैं वो भी उफान पर हैं। तो ये स्थितियाँ बनी हुई और पिछले 3 दिन से मौसम विभाग ने 3 दिन पहले ये अलर्ट जारी किया था। हालाँकि अगस्त महीने के पहले हफ्ते से ही कई बार येलो अलर्ट जारी हो चुका है। जब बारिश की स्थिति आती है, जब बारिश बढ़ती है तब मौसम विभाग ये अलर्ट जारी करता है और अब की बार जो ये स्थिति है, अब ये कहा गया है कि 1 सितंबर से और ज्यादा चूंकि मानसून सक्रिय हो गया है, बहुत तेजी से आ रहा है, अगस्त को ही आना था लेकिन थोड़ा स्लो रफ्तार थी, लेकिन 1 सितंबर से स्थितियां और खराब हो जाएंगी। तो ये अलर्ट इन जो शहर हैं, जो आपका ये प्रयागराज है, चित्रकूट है, वाराणसी है, सिद्धार्थनगर है, गोंडा, पीलीभीत जैसे शहर है, वहाँ पर लखीमपुर खीरी है, वहाँ पर जो नदियों के किनारे, घाघरा नदी के किनारे या राप्ती या सरयू नदी के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ पर जो कटान हो रही है, जो वहाँ गाँव बसे हैं उनके लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। हालाँकि प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जो बाढ़ से निपटने के संसाधन हैं वहाँ मुहैया कराएँ। इसके अलावा जिला प्रशासन को भी तमाम निर्देश दिए गए, कहा गया है कि जो बाढ़ प्रभावित हैं उनको किसी भी तरह से कोई समस्या ना हो और कोई भी बाढ़ प्रभावित भूखा ना रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टीम 9 सारी जो पल पल की स्थितियां हैं इन शहरों की, वो एक एक रिपोर्ट ले रहे हैं मौसम विभाग से भी, जो मौसम विभाग रोज हर पल भविष्यवाणियां जारी कर रहा है, जो उसके एक्सपेक्टेशंस हैं वो जो कैलकुलेशन है वो जारी कर रहा है, उस पर भी नज़र रखी जा रही है और उसी हिसाब से सारी तैयारियां करने के निर्देश इन संबंधित जिलों को, जो 18 जिले येलो अलर्ट वाले हैं, इसके अलावा जो 8 जिले रेड अलर्ट वाले हैं, वहाँ पर कहा गया है कि हर तरह से जो बाढ़ प्रभावित है किसी का घर ना बहे उसके इंतजाम करें। अगर कोई घर ऐसी कटान की जगह पर है तो उसको शिफ्ट किया जाए। शिफ्टिंग बहुत बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग हो गई है, कैंप लगे हुए हैं, राहत सामग्रियां बांटी जा रही है, सतर्क होना चाहिए क्योंकि प्रशासन की टीम तो जागरूक कर रही है, लोगों को भी सतर्क रहना होगा मौसम को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।